शुरू में जब ये आते हैं तो इनका शून्य प्रगति प्रॉपर्टी रिटर्न होता है, 20-24 साल के बाद जो है 100-100 करोड़ का हो जाता है। जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी गिरिराज राज मीना, रविकांत मित्तल, अभी के संजय अग्रवाल, विशाल बंसल, जंगार श्रीनिवास राव, मनीष अग्रवाल, इन लोगों ने काफी संपत्ति अर्जित की है। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदन कर इनकी पहली प्रॉपर्टी और अंतिम प्रॉपर्टी का जो है पूरा स्कैन कर लिया। डीजीपी श्री मनोज भट्ट के रिटायरमेंट होने पर उन्होंने आरएसी के फंड से पार्टियां दी जिसमें शराब और नॉनवेज और पूरे अय्याशी की। उनसे जब सूचना के अधिकार में मांगता हूं कि ये कहां से आया पैसा तो वो नहीं देते हैं। तो इन सब बातों से मेरी जब अभी संजय अग्रवाल ने 5-star होटल में दिया जब मनोज भट्ट साहब रिटायर हुए, ये पैसा कहां से आया। जब मैं ये सब सूचनाएं मांगता हूं, जब इनके विरुद्ध मैं आवाज उठाता हूं, तो ये मुझे दबाने के लिए 4 साल पुराने केस में जिसमें चालान हो ही नहीं सकता, ये मुझे झूठा अरेस्ट कर मुझे डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद केवल 1 महीने तक जो है सुविधाएं, एक गाड़ी और कुछ आदमी को अपने घर पर रख सकते हैं, जबकि सेवानिवृत्त डीजीपी श्री मनोज भट्ट अभी भी रिटायरमेंट के बाद 2 लोगों को अपने घर पर रखे हुए हैं। मैंने उनकी भी तस्वीरें खींच ली। जंगार श्रीनिवास राव एडिशनल डीजी, उन्होंने अपने घर पर 2 गाड़ियां रख रखी हैं, एक कार और मोटरसाइकिल, जबकि हम हर साल जो है आधुनिकीकरण के नाम पर भारत सरकार से पैसे लेते रहते हैं। तो इस तरह से जो संसाधन पुलिस की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, अपराध में कमी के लिए, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए दिए गए थे, उसे अफसरों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कॉर्नर कर लिया है।